कंवर सिंह जी यहाँ बच्चे गुरदीप सिंह घोसा जी, गुरदीप सिंह घोसा, गुरदीप सिंह घोसा, रणवीर सिंह जी, रणवीर सिंह जी नहीं पहले गुरदीप सिंह घोसा जी पहले आइए घोसा सर, घोसा जी साढ़े बहुत नॉर्मल स्वागत है सरीन जी आओ, धर्मवीर सरीन जी, महीन काल का टोक तोहरा जी हो गया, हो गया बहुत बहुत धन बैठी सब लोग आ जाओ, अरविंद जी आओ मेरे पास सर, आदरणीय सरदार हरदीप पुरी साहब, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय सिरसा साहब, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आदरणीय परविंदर सिंह जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हाल ही सम्मिलित हुए आदरणीय श्री अरविंद खन्ना जी, जैसा परिचय करते हुए अभी आदरणीय दुष्यंत गौतम साहब ने इनके बारे में हम सबके सामने ये बताया कि दो बार लगातार ये विधायक रहे और दो बार विधायक रहने के बाद में इन्होंने कुछ समय तक राजनीति से विराम लिया, लेकिन एक बार फिर सक्रिय राजनीति में हम सब लोगों के बीच में इन्होंने प्रवेश किया है। एक विषय जो इनके साथ में जुड़ा हुआ है, पंजाब के जिस क्षेत्र संगरूर से ही आते हैं, वहां संगरूर में इनकी एक स्वयंसेवी संस्था उम्मीद नाम से काम करती है, जो ऐसे सारे सर्वहारा और बेसहारा लोगों की सहायता के लिए पूरे उस क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। अपने स्वर्जित धन से बेसहारा लोगों को सहारा देना और अनेक तरह की सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अनेक तरह के बहुआयामी सामाजिक सरोकार के काम ये करते रहते हैं। हमें अत्यंत प्रसन्नता है, हम सबके परिवार में एक युवा चेहरा जिनका एक बहुत पुराना पंजाब की राजनीति में प्रतिष्ठित परिवार जो रहा है उससे प्रत्यक्ष नाता है, श्री कंवरवीर सिंह जी टोड़ा साहब और उनकी पत्नी आदरणीय मैरीन टोड़ा जी हमारे परिवार में आज सम्मिलित हुई है, उनकी माता जी भी आज यहां उपस्थित हैं। तो जैसा संकेत आदरणीय दुष्यंत जी ने किया था, श्री कंवरवीर सिंह जी के नाना आदरणीय सरदार गुरचरण सिंह टोड़ा साहब अनेक दशकों तक पंजाब की राजनीति के सबसे प्रभावी व्यक्तित्व ऐसे जाने गए। 27 साल तक तो आदरणीय स्वर्गीय टोड़ा साहब जो हैं वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रहे और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी आदरणीय टोड़ा साहब ने किया था। लोकसभा और राज्यसभा में भी पंजाब का लंबे समय तक आदरणीय स्वर्गीय टोड़ा साहब ने प्रतिनिधित्व किया था। इनके पिता आदरणीय हरमेल सिंह साहब पंजाब सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और मैं विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूं कि इस युवा चेहरे के साथ में जिनके पीछे इतनी बड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि में है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने से न केवल भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, अब तो युवाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के एक नव चेतना का सृजन होने वाला है। आदरणीय श्री गुरदीप सिंह घोसा साहब जो शिरोमणि
अकाली दल के राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में आना ऐसा स्वीकार किया है। या शिरोमणि अकाली दल के युवा मोर्चा के उनकी जो यूथ विंग है उसके अध्यक्ष रहे हैं और युवाओं के साथ में उनका पूरा पंजाब में अपना एक व्यापक संपर्क और संबंध है। इनके आने से भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ेगी। आदर्शी धर्मवीर सरीन जी जो अमृतसर में एक जाना पहचाना नाम है, अमृतसर के शहर की राजनीति में एक अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, इन सबके साथ साथ में आज एक लंबी सूची चंडीगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी में नए सम्मिलित होने वाले सदस्यों की आप सबके सामने आने वाली है। जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में काम करने वाले लोग, अनेक बार विधायक रहे ऐसे लोग, विभिन्न बोर्ड्स के चेयरमैन वर्तमान में होने वाले लोग, ऐसे अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं इस विषय में आगे कुछ बात करूं उससे पहले चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री दर्ज की है, वहां मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ यूनिट को, इकाई को मैं बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित ही ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत आने वाले समय में पंजाब के चुनाव के परिणामों की तरफ स्पष्ट संकेत करती है। जैसा अभी आदरणीय दुष्यंत जी ने कहा कि पिछले 5 तारीख को एक नए इतिहास का सृजन, एक सुखद इतिहास का सृजन पंजाब की राजनीति में होने वाला था। जिस उत्साह के साथ में पंजाब के हर एक विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग निकले थे, मुझे लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी एक समय में जब इतना मौसम एडवर्स हो, इतनी मौसम खराब हो, बरसात बरस रही हो, कोहरा हो, उसके बावजूद भी स्वप्रेरणा से लोग आकर के बसों में बैठे, हजारों की संख्या में जो है बसें रवाना हुई। पंजाब प्रदेश में कुल बसें जितनी अवेलेबल हो सकती थी उसके अतिरिक्त हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से और कुछ संख्या में जम्मू से भी लगभग इन 4 प्रदेशों से 1000 खाली बसें हमको जुटानी पड़ी थी। लाखों लोग अपने घर से निकल करके खराब मौसम के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए और प्रत्यक्ष उनकी बात को वो जो पंजाब को देने वाले हैं उसका अनुभव करने के लिए वहां अपने घर से निकल करके रवाना हुए थे। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से जिस तरह से उन सब को रोका, न केवल कार्यकर्ताओं को आने से रोका अपितु तो प्रधानमंत्री जी को भी उस कार्यक्रम में जाने से रोका गया। माननीय प्रधानमंत्री जी जो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शहीदों को नमन करने के लिए मन में पवित्र भाव लेकर के हुसैनीवाला साहब जाने वाले थे, वहां जाने से भी उनसे रोका गया। हजारों करोड़ की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले थे उस कार्यक्रम से भी पंजाब की जनता को महरूम रखा गया। जैसा मैंने कहा कि एक नया इतिहास सृजित होने वाला था राजनीतिक क्षेत्र में, पंजाब में आज तक जितनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रीकरण नहीं हुआ था उससे बड़ी संख्या में एकत्रीकरण होने वाला था। उस दिन वो इतिहास तो सृजित नहीं हुआ लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला अध्याय उस दिन जरूर लिखा गया कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह उसके कारण से, उनका संकल्प जो है उसके कारण से, इस घटना के कारण से कई कई गुना और बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और अधिक दमखम के साथ में चुनाव के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अन्य राजनीतिक पार्टियों से, सामाजिक क्षेत्र से लोगों का लगातार निरंतर आने का क्रम बना है, ये इस बात का द्योतक है कि पंजाब के भविष्य की चिंता करने वाले लोग भविष्य का पंजाब जो है वो गरिमामयी अतीत वाले पंजाब का वापस वैसा ही पंजाब बने, खुशहाल पंजाब बने, समृद्ध पंजाब बने, नशे से मुक्त और रोजगार से युक्त पंजाब बने, इस लक्ष्य को लेकर के, इस संकल्प को लेकर के
अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उन सब का स्वागत करते हुए इस संकल्प के साथ में कि हमारी एकत्रित शक्ति जो है निश्चित रूप से इस चुनाव में एक नए इतिहास का सृजन करेगी, आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।